जैसे अभी गणेश उत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है, ये चूंकि महाराष्ट्र का त्यौहार था, महाराष्ट्र का पर्व था, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता जा रहा है और उसी कड़ी में गोरखपुर में अच्छा खासा ये नाम कमा चुका है। हर जगह गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई है। इसी कड़ी में हम आए हैं हुमायूंपुर में आए हुए हैं और यहाँ पे इस समय एक बहुत ही विशाल प्रतिमा पीछे आप देख सकते हैं और हमारे बगल में जो यहाँ के पदाधिकारी गण खड़े हुए हैं और आज एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। तो हमें इसे जाने ही कब से ये प्रतिमा बैठाई जा रही है, बस हमको जानकारी। जय श्री राम। ये हमारा प्रथम वर्ष है श्री विनायक युद्ध युवा मित्र मंडल। ये हमारा एक ग्रुप और चलता है जो महाराष्ट्र में वसई ईस्ट तातीवली में चलता है, वहाँ पे सन 2013 से मनाया जा रहा है। हम सब भाइयों ने मिलके प्रथम वर्ष 2024 में शुरुआत किया गया है और इसमें जनमत का सहयोग बहुत ज़्यादा मिला है और काफ़ी मोहल्लों का भी सहयोग मिला है। इसके आधार पर हम लोगों ने बप्पा जी की प्रतिमा को स्थापित करने में काफ़ी सफल है और जैसा कि आप देख सकते हैं भंडारा भी आज चालू है। कल भव्य आरती का समारोह रखा गया था, भव्य आरती में भी अधिकांश लोग शामिल हुए। बहुत अच्छे से हम लोगों ने आरती भी अच्छे से संपन्न कराया, प्रसाद वितरण भी करवाए। कल शाम 7 बजे का समय था और काफ़ी लोग एकत्रित हुए और बहुत ही अच्छे से हमने इस आरती को संपन्न भी कराया। इसी संदर्भ में आगे भी हम लोग इस कार्य को प्रयत्न करने के लिए, सफल बनाने के लिए कार्यरत रहेंगे और सहयोग सबका मिला है और यहाँ के प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है और हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, सदस्यगण हैं और बड़े लोग हैं, उन लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम को बना पाया है। अभी अपने गोरखपुर में आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम लोग देखिए जुड़े हुए हैं, भगवान की आस्था है हम लोग के दिल में और हम लोग सार्वजनिक रूप से मनाया जा रहा है और जैसा कि सहयोग मिला इन मोहल्ले में आकर अपने मोहल्ले वासियों से काफ़ी सराहनीय है और इन सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है भगवान की प्रतिमा जी। जी ये है प्रथम कार्य संपन्न हो रहा है और आदेश जी हैं जो इस वक्त शायद उस भंडारे में बिजी होंगे, तो काफ़ी उन लोग इन दोनों के सहयोग ज़्यादा रहा क्योंकि यहाँ पे सब लोग लेकिन सर्वप्रथम इन लोगों ने समय इतना ज़्यादा दिया, हम यहाँ तक कि सब लोगों ने सहयोग दिया ऐसा नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, क्षमता थी, समय थी, सब लोगों ने दिया। यहाँ के हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ने अपना संपूर्ण योगदान दिया। ये छोटे बच्चे देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब अभी भंडारे में व्यस्त हैं, कोई भी सब अपने भंडारे में और अपना सहयोग करने में व्यस्त है। अभी इतने ही जन दिख रहे हैं लेकिन हम लोगों का ग्रुप लगभग 25 से 30 लोगों का है जो इस समय भंडारे में अपना योगदान दे रहे हैं और आप अगर आप कैमरे की मदद से उनको कवर करना चाहें तो आप कवर कर सकते हैं, सही अपनी जगह पे अपना योगदान दे रहे हैं और काफ़ी सक्षम तरीके से दे रहे हैं। और ये हैं सागर जी हैं, उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया है। ये है अपने छोटे कार्यकर्ता पिता जी हैं, इन्होंने अपना भी योगदान दिया है और यहाँ से ये अंकल जी हैं, ये अंकल जी इनके मार्गदर्शन में और इन्होंने ही पूजा का संपन्न और आप लोग के ऊपर बना रहेगा कि हर साल आप धूमधाम से इससे बड़ी प्रतिमा बैठाएं और बड़े भंडारे का प्रयोग करें, अब रोज भंडारा बहुत बहुत आपकी धन्यवाद कि आप लेकर गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मोरिया रे बप्पा मोरिया रे बप्पा मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे जय श्री राम। Thank you.
साल की बात है, इस साल भी बहुत अच्छे से गणपति बप्पा का बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है पूजा, और हर साल ऐसे ही होता रहता है। और यहाँ पे आज आज के दिन भंडारा है और भूमि में डांस वगैरह, मतलब सारी प्रोग्राम यहाँ पे होता रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, गणेश भगवान जी मतलब जब तक रहते हैं 10 दिन तक कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। Yeah.
दी तो भोले बाबा ने कहा, सुन बारा, आज तूने पूछ लिया है कि मुझे मैं क्यों पीता हूँ, तो आज तुम ये भोला शंकर क्यों पीता है ये बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा। Oh,